गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आपकी एमपी जीके की यूट्यूब पर पहली क्लास है, इससे पहले हमारी जूम पर चल रही थी। आज एमपी की 16वीं क्लास है और आज का जो सब्जेक्ट है वो आपका एमपी में एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नेंस, मध्य प्रदेश में शासन व्यवस्था किस प्रकार से है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और लोग भी कनेक्ट होते जा रहे हैं, अभी प्रदीप प्रताप सिंह सागर मिश्रा गुड इवनिंग, नेहू गुर्जर गुड इवनिंग, सृष्टि जाधव गुड इवनिंग, उनको बोल देते ना यदि कुछ जूम वाले इधर हों तो इधर क्लास में बैठे। पहले कनेक्ट होने दो। तोमर गुड इवनिंग, विरिशा गुड इवनिंग, सीरियल किंग, ये भाई कौन है सीरियल किंग गुड इवनिंग भाई आपको भी, आकाश वंसल गुड इवनिंग, चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ जो अभी तक मैंने पढ़ाया है ना, तब तक और लोग भी कनेक्ट हो जाएं। फर्स्ट डे है इस पर जूम पर यूट्यूब पर। रेडमी 5A भाई आपने नाम से एंटर हो है? सागर मिश्रा जी गुड इवनिंग, अच्छा चलिए बताइए। क्वेश्चन एक दो पूछ लूँ मैं आपको। ये काठी जो नृत्य होता है वो मध्य प्रदेश के किस एरिया में होता है? काठी नृत्य मध्य प्रदेश के किस एरिया में होता है? अभी मैं कल्चर 3 दिन से पढ़ा रहा था, उसका आंसर दें आप।
ऋषभ गुड इवनिंग, आरती शर्मा गुड इवनिंग, सबसे पहले विरिशा ने आंसर दिया है, निमाड़ बताया है। चलिए और लोगों के आंसर देखते हैं, आंसर करें आप लोग। सुनील परिहार ने निमाड़ दिया है, और ये सीरियल किंग भाई है ना, सृष्टि यादव निमाड़, वेरी गुड। सभी लोगों ने आंसर अच्छा दिया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक और है, माच मध्य प्रदेश के किस एरिया का फोक थिएटर है, यानी कि लोक नाट्य है? माच मध्य प्रदेश के किस एरिया का लोक नाट्य है? प्रेरणा ने भी निमाड़ आंसर दिया था उसका। चलिए आंसर दें जल्दी से। राहुल वर्मा जी मालवा बता रहे हैं, और आरती शर्मा निमाड़ बता रही हैं, सृष्टि यादव मालवा। जल्दी से आंसर करें आप लोग। प्रणय ने आपका मालवा बताया है, सीरियल किंग मालवा, विरिशा मालवा, सुनील परिहार मालवा, रेडमी 5A मालवा। चलिए बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर बताया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत भवन कहाँ पर है, भारत भवन कहाँ पर है बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन कहां पर है? जल्दी से आंसर करें आप लोग। भारत भवन कहां पर है? सागर मिश्रा जी ने भोपाल बताया है, विशा ने 1982 भोपाल बताया है, प्रेरणा गुप्ता ने भोपाल बताया है, और ये सृष्टि ने भी, विशा, सुनील, राहुल, पार्थ, सभी लोगों ने भोपाल बताया है। और हाँ, ये सागर मिश्रा ने एक जानकारी भी दी, ये चार्ल्स कोरिया इसके आर्किटेक्चर हैं, है ना। सुनील घावरी भोपाल बताया है। सुनील ओझा, गुड इवनिंग। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। अब आपका क्वेश्चन, नेहू गुर्जर ने भोपाल बताया, वेरी गुड, सही बताया है आपका। अब ये बताइए, आप मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? आंसर जल्दी से करें आप लोग, राजकीय खेल।
जल्दी से आंसर करें आप लोग। राजकीय खेल। पार्थ ने आंसर दिया है मलखम। सृष्टि ने भी दिया है, विशा ने भी दिया है, प्रेरणा ने, सभी, दीपक सिंह, और ये जानकारी फॉर, ये क्या है भाई, है ना, नाम सही करें भाई। अमन है ना, राजौरिया, मलखम, वेरी गुड। अंजलि ने भी, आरती शर्मा, राहुल वर्मा, सभी लोगों ने वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया मलखम। ओके वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। विरसा, अच्छा ये बताया है ये कब से स्टार्ट हुआ राजकीय खेल के रूप में, मान्यता दी गई है 2013 में, प्रभाष जोशी सम्मान 2013, हाँ 13 का, ठीक है पुरस्कार। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ये बताइए अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? जल्दी से आंसर दें। पार्थ ने 52 बताया है, अमन ने 52 बताया है, और आपका सभी लोगों ने, ये जानकारी फोर ने एक नई जानकारी जोड़ दी 55, यानी कि उन्होंने वो जो प्रस्तावित हैं तीन उनको भी मान लिया है ना, ऐसा नहीं है। और गौरव श्रीवास्तव 53 बता रहे हैं, है ना, ये पता नहीं क्यों बता रहे हैं। और सुनील गाबरी 53 बता रहे हैं, जबकि लास्ट में आपका न्यू डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी है ये 52 नंबर का है, ये 53 कौन सा बन गया है, जरा जानकारी दें। चलिए सभी लोग लगभग कनेक्ट हो चुके हैं, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना ये आज जो क्लास होगी उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा इसी क्लास से, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है बाद में आपको। आज आपका एमपी का 16वां क्लास है, इसमें आपका मध्य प्रदेश का प्रशासन हम पढ़ेंगे, गवर्नेंस। देखिए आपका प्रदेश स्तर पर जो गवर्नेंस होती है उसमें आपका किसी भी स्तर पर किसी भी राज्य में भारत का संविधान राज्य में सरकार के लिए उसी तरह कार्य करता है जैसा केंद्र में आपका संसदीय प्रणाली के लिए करता है। ये संविधान का भाग चार जो है राज्य में सरकार से संबंधित है ना, और ये आपकी राज्य की संपूर्ण सरकारी मशीनरी को कार्यकारी, विधायिका, न्यायपालिका और स्थानीय स्व सरकार यानी कि लोकल सेल्फ जो गवर्नेंस है उसमें यानी कि डिवाइड किया जाता है। ये इस तरीके से आपके स्टेट लेवल पर जो ये गवर्नेंस स्टेट गवर्नमेंट में आपका देखा जाता है, विधायिका जिसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, ये सभी यानी कि आपके राज्य स्तर के सरकारें हैं। इसके बाद आपकी स्थानीय स्व सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपका जिसमें पंचायती राज और नगरीय निकाय आता है, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
आपका एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, ये आर्टिकल 150 से 153 से लेकर के 167 मैं आपके संविधान के अनुच्छेद 6 में ये राजकीय कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। और राजकीय कार्यपालिका में आपके राज्यपाल इसका प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है और राज्य का महाधिवक्ता भी इसी में शामिल किया जाता है। महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, मतलब आपका गवर्नर इसका हेड है। उसके बाद आपका चीफ मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है वो इसमें होता है और वो आपकी मंत्रिपरिषद होती है। इसके अलावा आपका एडवोकेट जनरल, ये सारे राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अभी तक आपकी कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। अभी तक जो राज्यपाल हुए हैं उनका ये हम लिस्ट वाइज देख पा रहे हैं। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब से लेकर के आज तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपालों की लिस्ट है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखना है ना, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं हुआ, तो तीन ऑप्शन वो होंगे जो रहे होंगे और चौथा वो आपका इनमें नहीं रहा होगा। इस तरह से सीरियल से भी पूछ लेते हैं कि इनमें सबसे लास्ट में राज्यपाल कौन रहा है, ये अक्रम से लगाने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए है ना, या इस ईयर से इस ईयर के बीच में कौन राज्यपाल रहा है, थोड़ा डीप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके बी पट्टाभी सीतारामैया रहे हैं, ये आपका 1956 से 57 एक साल तक रहे हैं बी पट्टाभी सीतारामैया। ये कांग्रेस पार्टी के काफ़ी बड़े उस समय नेता थे, गांधी जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, ये आपका एक साल के लिए। उसके बाद है श्री हरि विनायक पाटस्कर, ये हरि विनायक पाटस्कर ये दूसरे नंबर पर आपके रहे हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहे हैं, 1957 से लेकर के 65 तक रहे हैं। इसके बाद आपके केसी रेड्डी, ये आपका 1965 से लेकर के और आपका 66 तक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहे हैं। और उसके बाद आपका एक्टिंग मतलब आपके कार्यकारी के रूप में आपका जो उस समय न्यायाधीश थे पीवी दीक्षित, तो वो पीवी दीक्षित आपके कार्यकारी राज्यपाल के रूप में रहे हैं 6 दिन के लिए सिर्फ 1966 में, किसी रेड्डी के हटने के बाद है ना, सिर्फ ओनली 6 दिन के लिए। ये एक्टिंग है मतलब प्रॉपर आपके गवर्नर नहीं है ये, है ना। और श्री संत नारायण सिन्हा, ये सत्यनारायण सिन्हा आपका 1971 से लेकर के 1977 तक रहे हैं। और उसके बाद आपका ये निरंजन नाथ बांचू, ये आपका 1977 से लेकर के 78 तक रहे हैं। और ये एच एम पुनादा, ये आपका 1978 से 80 तक रहे हैं। फिर भगवत दयाल शर्मा जो कि बाद में आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट और पदों पर भी रहे, 1980 से लेकर के 81 तक रहे हैं। फिर आपके जस्टिस जीपी सिंह, ये एक्टिंग आपका गवर्नर रहे 1981 में। उसके बाद आपके फिर भगवत दयाल शर्मा फिर दोबारा से बना दिए गए और ये 1981 से 1983 तक रहे। फिर आपके जस्टिस जीपी सिंह एक्टिंग गवर्नर रहे 1983 में, फिर भगवत दयाल शर्मा बना दिए गए है ना, और ये 1983-84। फिर उसके बाद आपका के एम चांडी, ये 1984 से लेकर के 87 तक रहे। और आपका नेक्स्ट देखते हैं, जस्टिस एंडी ओझा, ये कार्यकारी राज्यपाल रहे 1987 में। और के एम चांडी फिर ये 1987 से 89 तक। फिर श्रीमती सरला ग्रेवाल,
ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं 1989-90, और कुंवर मोहम्मद अली खान, ये कुंवर मोहम्मद अली खान ये आपके 1990 से लेकर के 93 तक रहे हैं, और फिर आपके डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी ये 1993 से 98 तक रहे हैं, फिर डॉक्टर भाई महावीर ये 1998 से लेकर के 2003 तक रहे हैं, फिर ये आपके श्री राम प्रकाश गुप्ता ये 2003 से 4 तक रहे हैं। इनके बारे में खास बात ये है कि ये अपने पद पर रहते ही इनकी मृत्यु हुई है। ये मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल हैं जो राज्यपाल के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद हैं आपके श्री कृष्ण मोहन सेठ, कृष्ण मोहन सेठ ये कार्यकारी आपके राज्यपाल 2004 में, और उसके बाद आपके बलराम जाखड़ ये आपके 2004 से लेकर के 2009 तक आपके राज्यपाल, और उसके बाद आपके रामेश्वर ठाकुर ये 2009 से लेकर के 2011 तक रहे हैं रामेश्वर ठाकुर, और इसके बाद आपका ये राम नरेश यादव, राम नरेश यादव ये 2011 से लेकर के 16 तक, और ओम प्रकाश कोहली ये 2016 से लेकर के 18 तक, और फिर आनंदी बेन पटेल ये 2018 से लेकर के 2019 तक जुलाई तक, और आज वर्तमान में आपके लालजी टंडन है, ठीक है, ये 29 जुलाई 2019 से लेकर के और आज तक आपके लालजी टंडन हैं। इसमें भगवत दयाल शर्मा, ये नाम बार बार आ रहा था, आप लिस्ट में देख रहे थे, ये 3 बार यानी कि राज्यपाल रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 3 बार राज्यपाल रहे, और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या एकमात्र महिला राज्यपाल वो आपकी सरला ग्रेवाल हैं। ये अभी आपने लिस्ट में देखा था तो सरला ग्रेवाल ये आपकी 89 से लेकर के 91 तक हैं, और राम प्रकाश गुप्ता जी ऐसे गवर्नर हुए हैं जिनकी यानी कि अपने पद पर रहते हुए डेथ हुई थी। अब इससे भी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है ये चीफ मिनिस्टर के बारे में, मुख्यमंत्री की लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका तो जरूर पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, ये मध्य प्रदेश के 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पहले राज्यपाल बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ये आपके 1 नवंबर 1956 से लेकर के 31 दिसंबर 1956 तक रहे, यानी कि आपके बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि आपका 2 महीना सिर्फ इनका कार्यकाल रहा है ना। इसके बाद आपके ये भगवत राव मंडलोई, ये भगवंत राव मंडलोई आपका ये 1957 से लेकर के, मतलब 1957 में ही रहे हैं, ये भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक, बस जनवरी के महीने में ये उनसे भी शॉर्ट टाइम के लिए रहे हैं। और उसके बाद है कैलाश नाथ काठ, जो ये बहुत बड़े वकील भी थे और काफ़ी बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता थे, ये आपका बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये भी रहे हैं, ये 31 जनवरी 1957 से लेकर के और 14 मार्च 1957 तक, यानी कि देखा जाए तो आपका 1.5 महीने का कार्यकाल इनका है। ये कंटिन्यू देखा जाए जल्दी जल्दी हट रहे हैं, और फिर इसके बाद कैलाश नाथ काठ जो रेगुलर बने तो वो आपका इनका लंबा कार्यकाल चला 14 मार्च 1957 से लेकर के और 11 मार्च 1962 तक, पूरा आपका 5 साल का टाइम पीरियड।
फिर भगवत राव मंडलोई बने, ये आपकी 12 मार्च 1962 से लेकर के और सितंबर 1963 तक, 1 साल से कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। द्वारका प्रसाद मिश्रा, इनको शॉर्ट में डीपी मिश्रा बोला जाता है, बहुत ही कद्दावर नेता थे, कांग्रेस पार्टी के काफ़ी प्रभावशाली मुख्यमंत्री रहे। ये शुरुआत में आपका भगवत राव मंडलोई को हटा दिया गया और 30 सितंबर 1963 को इनको बनाया गया और 8 मार्च 1967 तक, यानी कि इनका कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद आपका ये डीपी मिश्रा जी मुख्यमंत्री बने 9 मार्च 1967 से लेकर के और जुलाई 29 जुलाई 67 तक, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। फिर इनको हटा दिया गया और इसके बाद इनको गोविंद नारायण सिंह, ये 30 आपका जुलाई से लेकर के 1967 में और 12 मार्च 1969 तक रहे गोविंद नारायण सिंह। ये कांग्रेस पार्टी के सारे नेता रहे उस समय तक, इनकी कांग्रेस पार्टी ही मध्य प्रदेश में सत्ता में रही। इसके बाद आपका देखते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह ये आपके 13 मार्च 1969 से लेकर के और 25 मार्च 1969 तक, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम, यानी कि आपका 12 दिन के लिए। उसके बाद आपका श्यामाचरण शुक्ल, ये पंडित जो रविशंकर शुक्ल थे उनके बेटे थे श्यामाचरण शुक्ल, ये राजा नरेश चंद्र सिंह को हटा करके उनकी जगह पर बनाए गए। ये आपका 1969 से लेकर के 72 तक रहे, एक काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा। उसके बाद फिर आपका प्रकाश चंद्र सेठी ये बनाए गए, प्रकाश चंद्र सेठी 1972 में, आपका बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। इसके बाद इनको एक रेगुलर प्रकाश चंद्र सेठी को 23 मार्च से लेकर के 1972 से लेकर के 75 तक बनाया गया। और इसके बाद आपके फिर प्रकाश चंद्र सेठी को हटा करके फिर आपका यानी कि श्यामाचरण शुक्ला को फिर बना दिया गया 23 दिसंबर आपका 1975 से लेकर के 77 तक। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया 1977 में और ये आपका कुछ महीनों के लिए प्रेसिडेंट रूल रहा आपका, ये अप्रैल से जून तक 1977 में। इसके बाद आपका कैलाश चंद्र जोशी आपके बने, इनकी हाल ही में डेथ हुई है। और ये क्योंकि क्या हुआ था कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन न केवल मध्य प्रदेश में हुआ था बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में और यानी कि केंद्र स्तर पर हुआ था, और ये पहली बार यानी कि जनता पार्टी यानी कि आपकी सत्ता में आई थी जनता पार्टी आपकी 1977 से लेकर के 78 तक, जब केंद्र में आपके मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री बने थे, सॉरी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मध्य प्रदेश में ये राज्यपाल कैलाश चंद्र जोशी बने। इसके बाद आपका बीरेंद्र कुमार सकलेचा, बीरेंद्र कुमार सकलेचा ये आपका 1978 से लेकर के 80 तक, ये भी जनता पार्टी के थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, यानी कि कैलाश जोशी को हटा करके इनको बनाया गया। और इसके बाद सुंदरलाल पटवा, इनको हटा करके बना दिए गए आपका बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। इसके बाद आपका प्रेसिडेंट रूल लग गया था ये कुछ टाइम के लिए, यानी कि आपका फरवरी से लेकर के जून तक के लिए 1980 में। फिर अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने, ये अर्जुन सिंह आपके 5 साल पूरे टाइम पीरियड के लिए बनाए गए 1980 से लेकर के आपके 85 तक, ये कांग्रेस पार्टी के फिर सत्ता में आ गई। अर्जुन सिंह फिर दोबारा से यानी कि सिर्फ दोबारा से जो चुनाव हुए तो आपके अर्जुन सिंह एक दिन के लिए रहे
11 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक के लिए, फिर इनको हटा दिया गया आपके। फिर मोतीलाल बोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए और ये आपके 85 से लेकर के 88 तक के लिए रहे। फिर उसके बाद आपका अर्जुन सिंह को बनाया गया, तो ये भी बहुत आपका देखा जाए तो शॉर्ट टाइम ही था, लेकिन एक वर्ष ज़्यादा था आपका 1988 से लेकर के 89 तक। और इसके बाद फिर मोतीलाल बोरा को बना दिया गया आपका लगभग एक साल के लिए, 25 जनवरी 1989 से लेकर के 8 दिसंबर 1989 तक। फिर आपके इनको हटाया गया, मोतीलाल बोरा को श्यामा चरण शुक्ल को बना दिया गया, ये आपके श्यामा चरण शुक्ल को बनाया गया आपका 89 के 4 मार्च 1990 तक। फिर आपका इलेक्शन हुए तो इसमें बीजेपी पार्टी आ गई, सुंदरलाल पटवा को यानी कि आपका राज्य मुख्यमंत्री बनाया गया, ये बीजेपी पार्टी के थे 1990 से लेकर के 92 तक। इसके बाद क्या हुआ कि आपका राम जन्मभूमि मस्जिद का जो मामला आया और उसी के बाद ये यानी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और यहाँ पर आपके लगभग एक साल तक ये प्रेसिडेंट रूल रहा। फिर आपका दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने और ये लगातार दो बार रहने के 5-5 साल के लिए 1993 से लेकर के 98 तक, और दूसरी बार फिर आपके 98 से लेकर के और आपके 2003 तक, ये कांग्रेस पार्टी के बहुत ही यानी कि कद्दावर नेता माने जाते थे, दो बार यानी कि लगातार यानी कि मुख्यमंत्री 5-5 साल के लिए रहे। इसके बाद आपके उमा भारती ये चुनी गई 2003 से लेकर के और 2004, लगभग यानी कि एक साल से भी कम टाइम पीरियड के लिए, और इन पर चूंकि कर्नाटका में केस चल रहा था इस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। इसकी जगह पर फिर बाबूलाल गौर को आपका मुख्यमंत्री बना दिया गया और ये भी बहुत कम टाइम के लिए, लगभग यानी कि एक साल थोड़े से यानी कि टाइम के लिए बाबूलाल रहे बीजेपी के, ये दोनों बीजेपी से थे। उसके बाद आपके शिवराज सिंह चौहान बने, ये 2005 में बाबूलाल गौर को हटा करके बनाए गए और 2008 पूरा इनका कार्यकाल रहा बीजेपी की तरफ से। फिर 2008 में इलेक्शन हुए शिवराज सिंह चौहान, फिर 2008 से लेकर के और कंटिन्यू आपके 10 साल तक 2018 तक यानी कि कंप्लीट यानी कि दो बार रिपीट हुए मुख्यमंत्री के रूप में। फिर आपका कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ बनाए गए 17 दिसंबर 2018 से लेकर के 20 मार्च 2020 के लिए, लगभग 1.5 साल के लिए। और इसके बाद आपका शिवराज सिंह चौहान फिर आ गए हैं 23 मार्च 2020 को इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और अभी तक यानी कि ये राज्यपाल सॉरी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये आपका सारे मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ये पूछा जाता है कि कौन इसमें रहा, क्रम से पूछा जाता है कौन नहीं रहा, ये भी पूछ लिया जाता है इस लिस्ट में, तो लिस्ट कम से कम याद होना चाहिए। अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सबसे छोटा कार्यकाल ये आपका सिर्फ 2 दिन का कार्यकाल राजा नरेश सिंह का रहा है ना, सबसे छोटा कार्यकाल इनका माना जाता है। अभी लिस्ट में आपको मैंने उसमें बताया भी था जब मैं पढ़ा रहा था, और ये हाँ 2 दिन का था इनका, और इससे भी छोटा 1 दिन का सिर्फ आपके, तो वो अर्जुन सिंह रहे है ना, अर्जुन सिंह का कार्यकाल। और शिवराज सिंह आपके सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल हो गया है इनका, है ना, सबसे लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह का। ये सबसे अधिक बार चुने जाने वाले, तो वो आपके 4 बार चुने जाने वाले शिवराज सिंह हो गए, ठीक है। और पंडित रविशंकर पहले चीफ मिनिस्टर थे, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री
पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। ये 1956 में जो मध्यप्रदेश बना था उसके भी पहले चीफ मिनिस्टर थे, और आज़ादी के बाद 1947 में जो मध्यप्रदेश बना था उसके भी पहले आपके मुख्यमंत्री यही थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्यप्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, पहली और एकमात्र आपकी उमा भारती है। और पहले कौन से नेता थे जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे और मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के बने, तो वो कैलाश चंद्र जोशी थे, जो आपके कांग्रेस पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे, यानी कि ये जनता पार्टी की तरफ से आपके यानी कि मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद मध्यप्रदेश के तीन बार आपके जो प्रेसिडेंट यहाँ पर रूल रहा है ना, ये आपके शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, है ना, और इनका अभी पहले तो इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अकेली शपथ ली थी, फिर इनका 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना है, तो इसमें 5 मंत्री जो है, तो अभी आपको मालूम हुआ कि सत्ता का गठबंधन किस तरह से हुआ है ना, कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से आपके बीजेपी में चले गए, और उनके समर्थक जो विधायक थे वो भी चले गए, तो सत्ता का परिवर्तन हुआ और यानी कि कांग्रेस की जगह पर अब बीजेपी की सरकार बन गई। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने और इन्होंने जो ऐसे विधायक जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए थे उनको भी शामिल करते हुए आपका 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसमें आपके नरोत्तम मिश्रा जी आपके दतिया विधानसभा से ही आपके विधायक हैं, ये काफ़ी कद्दावर नेता मध्यप्रदेश के माने जाते हैं बीजेपी के, और इनको काफ़ी इम्पोर्टेंट मंत्रालय भी दिए गए हैं, जिसमें इनको गृह मंत्रालय, आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, क्योंकि ये अभी कोरोना संकट चल रहा है इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है, ये नरोत्तम मिश्रा को दिया गया है, कांग्रेस पार्टी के सॉरी बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। अभी हाल ही में आपके कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं ये तुलसीराम सिलावट जी, ये आपके इनको जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है, ये आपका पहले उस समय कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब ये आपका कमलनाथ जी की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे, अब ये आपके बीजेपी के नेता हैं कमल पटेल, ये पहले भी आपके मंत्री रहे हैं और हाल ही में जो मंत्रालय इनको दिया गया है वो किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्रालय इनको दिया गया है, ये आपके होशंगाबाद हरदा क्षेत्र से काफ़ी पावरफुल लीडर हैं। और गोविंद सिंह राजपूत, ये वो नेता हैं जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, सिंधिया समर्थक नेता, और इनको आपका खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण सहकारी ये सारे मंत्रालय दिए गए हैं, ये सागर से काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। और मीना सिंह, कुमारी मीना सिंह, ये आदिवासियों की बहुत पॉपुलर लीडर हैं और इनको आपका आदिवासी कल्याण मंत्रालय दिया गया है, तो अभी सिर्फ ये 5 सदस्यीय यानी कि मंत्रिमंडल काम कर रहा है मध्यप्रदेश में। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने विरसा जी ने कि प्रेसिडेंट रूल के समय कौन कौन सीएम रहे हैं, है ना, तो ये आपका हम आप और बिल्कुल लिस्ट वाइज आपको आपके जो देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले आपका
1977 में लगा था, उस समय आपका श्यामा शरण शुक्ला जी आपके सीएम थे, और 77 में मैंने बताया ना कि आपका इंदिरा गांधी के समय में जो काफ़ी अव्यवस्थाएं होने लगी थी, उस समय ये वहाँ पर ये प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए लगा था, है ना। ये आपका 29 अप्रैल से लेकर के 25 जून के लिए लगा था 1977 में। तो पहले आपके श्यामा चरण शुक्ल हैं जिनके समय आपका प्रेसिडेंट रूल लगा, पहले सीएम। दूसरे सीएम आप देखें ये सुंदरलाल पटवा जो थे, सुंदरलाल पटवा के समय दो बार लगा है, दो बार यानी कि उन्हीं का टाइम लगा है। एक आपका 1980 में, ये 18 फरवरी 1980 से लेकर के, और आपका 8 जून 1980 तक। ये आपका शॉर्ट टाइम के लिए, लगभग आप देखें तो लगभग आपका 4 महीने के लिए ये रूल लगा था। और इसके बाद आपके फिर मैंने बताया दोबारा से कंटिन्यू जो लगा है पटवा के समय ही लगा, ये आपका का मामला हुआ था, है ना, तब यानी कि यह प्रेसिडेंट रूल लगा आपका, ये 92 में। ये थोड़ा सा लंबा चला था, ये 16 दिसंबर 1992 से लेकर के और 6 दिसंबर आपका 1993 तक, लगभग यानी कि एक साल के टाइम पीरियड तक यानी कि ये आपका प्रेसिडेंट रूल रहा है। तो ये दो मुख्यमंत्री हुए हैं, एक आपका श्यामा चरण शुक्ल, ये आपके कांग्रेस पार्टी के थे, और दूसरे आपके सुंदरलाल पटवा, ये बीजेपी के थे। तो इन दोनों लोगों के समय ये आपका लगाया, तो टोटल 3 बार लगा है, लेकिन 2 मुख्यमंत्रियों के समय लगा, श्यामा शरण शुक्ल और आपका सुंदरलाल पटवा के समय, ठीक है। और ये सुंदरलाल पटवा की भी डेथ हो चुकी है। चलिए आपका राज्य स्तर का जो सचिवालय है उसके बारे में देखते हैं। तो राज्य स्तर का जो सचिवालय होता है, ये सचिवालय एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कार्यकारी बॉडी होती है, और यहाँ पर जिस बिल्डिंग में ये चलता है आपका स्टेट सेक्रेटरीट, उसको बल्लभ भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्लभ भवन, ठीक है। और ये आपका मेन जो फंक्शनिंग बॉडी होती है वो आपका बल्लभ भवन होता है, और यहाँ पर आपके सारे ज़्यादातर जो देखा जाता है वो आईएएस ऑफिसर्स की मदद से आपका ये मंत्रालय चलते हैं, डिपार्टमेंट चलते हैं, ठीक है। राज्य सचिवालय का जो पोर्टफोलियो के आधार पर यानी कि प्रणाली चलती है, और सभी कार्यों को अलग अलग विभागों में व्यय किया जाता है, जिससे मंत्री के रूप में जाना जाता है। इसमें आपका सबसे बड़ा जो होता है आपका सेक्रेटरीट का हेड होता है, वो चीफ सेक्रेटरी होता है ना। ये आपका राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका ये मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव। ये आपके मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका HM कामत, और अभी आपके जो हैं वर्तमान में इकबाल सिंह बैश हैं, ये आपके वर्तमान में वो आपके पहले चीफ सेक्रेटरी आपके HM कामत। चलिए एडवोकेट जनरल, जिसको कहा जाता है महाधिवक्ता, ये आपका महाधिवक्ता है। ये मध्य प्रदेश सरकार का आपका पहला विधिक अधिकारी होता है, यानी कि फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है, और ये मध्य प्रदेश के गठन के बाद यानी कि पहले जो महाधिवक्ता बने थे वो एम अधिकारी आपके फर्स्ट यानी कि महाधिवक्ता बने हैं। और ये जितना भी कार्य यानी कि विधिक मामला होता है सरकार का, उसको यानी कि ये आपका हाई कोर्ट में प्रस्तुत करता है, और ये मध्य प्रदेश के जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होते हैं उनके उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश का पक्ष रखता है। और
वर्तमान में ये शशांक मनोहर भी नहीं है, क्योंकि अब आपका जो शशांक मनोहर को कमलनाथ सरकार ने बनाया था, अब ये हटा दिए गए हैं। शिवराज सिंह की द्वारा सरकार आ गई है, तो शिवराज सिंह के समय पुरेंद्र कौरव जो थे उन्हीं को द्वारा से बना दिया गया, तो ये आपको हटा दीजिएगा इनको, ये अब आपका नहीं है भाई। जल्दी जल्दी सत्ता में परिवर्तन होता है तो चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। तो ये आपके शशांक शेखर अब नहीं है, है ना, ये अब आपके पुरेंद्र सिंह कौरव जो हैं वो आपके फिर दोबारा से बना दिए, जो शिवराज सिंह के समय पहले थे और अब फिर शिवराज सिंह आए तो उन्हीं को बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट, लेजिस्लेटर्स आपका विधायिका जिसको बोलते हैं, और इसमें आपका राज्य विधायिका एक राज्य की राजनीति प्रणाली में पूर्व प्रतिष्ठित केंद्रीय स्थान रखती है। ये आपके आर्टिकल 6 में, सॉरी ये संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद आपके 168 से लेकर के और आपके 212 तक, ये आपकी राजकीय विधायिका का वर्णन है। संविधान के भाग 6 में ये सागर मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि अभी कौन है, तो मैंने बताया ना कि ये पुरेंद्र सिंह कौरव जो हैं वो आपके एडवोकेट जनरल हैं, पुरेंद्र सिंह कौरव, और इसमें आपके उसका गठन के बारे में है, संरचना के बारे में, टाइम पीरियड, अधिकारी कौन कौन होंगे, उनका प्रोसेस क्या होगा और इनको क्या विशेष अधिकार होंगे, शक्तियाँ होंगी, राज्य विधायिका से संबंधित पूरे प्रावधान आपका आर्टिकल 168 से लेकर के और आपका 212 तक होता है। हालांकि ये संसद के समान है, फिर भी इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जिस तरह से आपका केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार से आपके ये विधायिका होती है, ठीक है। आपकी जो विधायिका होती है वो राज्य स्तर पर आपकी 2 सदनी भी हो सकती है और 1 सदनी भी हो सकती है, यानी कि आपके कई राज्य हैं जहाँ पर यानी कि 2 सदन है, एक आपका विधानसभा, एक विधान परिषद। मध्य प्रदेश में आपका 1 सदनीय व्यवस्था रखी गई है, यानी कि यहाँ पर आपका मंत्रिपरिषद, सॉरी वो आपकी विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होती है। तो इसमें आपका जो मध्य प्रदेश का विधानमंडल है, जो आपकी विधायिका है, उसमें कौन कौन शामिल किए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश की आपकी जो विधायिका है इसमें गवर्नर यानी कि राज्यपाल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों यानी कि शामिल किए जाते हैं, यानी कि राज्यपाल और विधानसभा को मिला करके आपकी मध्य प्रदेश की विधायिका होती है, ठीक है। और इसमें आपका स्पीकर होता है, वो चेयरपर्सन होता है, किसका, आपका यानी कि विधानसभा का, है ना। और मध्य प्रदेश विधानसभा का जो है ये आपकी कहाँ पर है, भोपाल में है, और इसका नाम है, इस भवन का नाम है आपका इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, ठीक है। ये आपकी विधानसभा भोपाल में है और यहाँ पर आपकी जो विधान भवन बिल्डिंग है ये आपका सेंटर ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स नेरिया हिल आपका लोकेलिटी ऑफ भोपाल सिटी, यानी कि ये आपका लोकेलिटी बताइए, वहाँ की पहाड़ी पर काफ़ी ऊंचाई पर ये वहाँ पर है। और विधानसभा ये आपका टाइम पीरियड जो होता है वो 5 ईयर के लिए होता है विधानसभा का, यदि उससे पहले भंग भी की जा सकती है ना, वो आपकी मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा रिजॉल्व की जा सकती है। इसमें आपके एमपी जो विधानसभा है इसमें टोटल 230 सदस्य हैं, वर्तमान की जो निजी मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 230 है, और ये सारे डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्ट इलेक्टेड से मतलब होता है कि जनता के द्वारा वोटिंग किया जाना, ये डायरेक्ट आपका इलेक्शन होता है। और यहाँ पर आपका एक मनोनीत सदस्य होता है एंग्लो इंडियन, जो यानी कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है,
मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट है आपकी 29 है, और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं इन लोकसभा सीटों में से 6 जो सीट्स हैं वो आपके ST के लिए यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी कि आपके आदिवासी लोगों के अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, वो हैं आपकी 6, ठीक है, 29 में से 6 ST के लिए। और SC के लिए लोकसभा में जो सीटें रिजर्व हैं MP में यानी कि अनुसूचित जाति के लिए यानी कि आपके जो वो हैं 4 सीटें, ठीक है, ये आपके SC के लिए 4, 29 में से 4 यानी कि आपकी 29 में से ये 6 और 4 10 रिजर्व हैं, और आपकी तो 19 जो हैं वो अनरिजर्व हैं। और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के बाद आपकी राज्यसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और इस राज्यसभा की सीटों में आपके SC और ST के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है, और इनका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लोकसभा और विधानसभा का डायरेक्ट होता है। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो टोटल 230 हैं, है ना, और इसमें से आपकी ST के लिए 230 में से 47 ST के लिए रिजर्व हैं। ST के लिए कितनी रिजर्व हैं आपकी? 47 है। इसके बाद आपकी 230 में से SC के लिए रिजर्व जो सीटें हैं वो 35 हैं, यानी कि आपके 230 में से 35 ये आपकी किसके लिए हैं? SC के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मध्य प्रदेश में ये SC और ST के लिए लोकसभा और राज्यसभा सॉरी लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये स्पीकर्स की लिस्ट है जो अभी तक यानी कि विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1956 में, तो आपके उस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के जो पहले स्पीकर बनाए गए थे तो वो थे आपके पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। इनको विधि पुरुष भी कहा जाता है यानी कि आपका लॉ पर्सन, ये बहुत ही आपके विधि के ज्ञाता थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ये 1956 से लेकर के 57 तक रहे। उसके बाद फिर आपका दोबारा से जब इलेक्शन हुआ तो आपके ये 62 से लेकर के और 67 वाली विधानसभा में भी आपके अध्यक्ष रहे। इसके बाद आपका 67 से लेकर के 72 तक आपका काशी प्रसाद पांडे जी रहे, और फिर आपका तेजलाल तांबरे ये आपका शॉर्ट टाइम के लिए रहे, और फिर आपका ये गुलशेर अहमद ये आपका 72 से लेकर के 77 तक रहे, और ये मुकुंद शकाराम नेवलकर ये आपका 77 से लेकर के 80 तक रहे। इसके बाद आपका यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ये 1980 से लेकर के 83 तक रहे। फिर आपका राम किशोर शुक्ला जी ये आपका 1984 से 85 तक रहे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी आपके पूरे 5 साल रहे 1985 से लेकर के 1990 तक। और फिर आपका ब्रजमोहन मिश्रा जी ये 1990 से लेकर के और आपके 93 तक। फिर श्रीनिवास तिवारी जी ये आपके 1993 से लेकर 98 तक रहे हैं दिग्विजय सिंह के समय, और फिर दोबारा से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तो इन्हीं को फिर आपका विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया श्रीनिवास तिवारी को 1998 से लेकर के 2003 तक। और ईश्वर दास रोहाणी ये आपका 2003 से लेकर के 2009 तक रहे, और फिर दोबारा से आपका ईश्वरदास रोहाणी 2009 से लेकर के 13 तक रहे, और फिर आपका सीता शरण शर्मा जी ये 2013 से लेकर के और आपके 18 तक रहे। उसके बाद आपके NP प्रजापति अभी कमलनाथ सरकार के समय ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे।
अभी वही है, अब नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा क्योंकि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, अब देखते हैं न्यायपालिका। तो संविधान के भाग 6 में, ये संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के और 231 तक, अनुच्छेद 214 से लेकर के और 231 तक, ये आपके राज्य की न्यायपालिका का वर्णन है इसमें, और इसमें उसके गठन के लिए स्वतंत्रता, शक्ति, अधिकार क्षेत्र और इन सभी से संबंधित, यानी कि ये दिया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, 1 नवंबर 1956 को किया गया, और ये आपका हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है, और इसकी दो आपकी ब्रांचेज हैं, एक ग्वालियर और एक आपकी इंदौर। और मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो आपके न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे हैं। ये मोहम्मद हिदायतुल्ला बाद में आपके सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे, और ये दो आपकी अस्थाई ब्रांचेस थी, ग्वालियर और इंदौर, बाद में ये स्थाई हो गई हैं। वर्तमान में ये आपकी जबलपुर के अलावा दो ये ब्रांचेस हैं, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आपके चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की लिस्ट है। सबसे पहले आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे हैं, है ना, ये 1956 से लेकर के 58 तक के लिए। फिर आपका जस्टिस गणेश प्रसाद भट्ट जी रहे हैं 1958 से लेकर के 59 तक, और उसके बाद जस्टिस पीबी दीक्षित, ये आपके 1959 से लेकर के 69 तक, यानी कि 10 ईयर्स तक पूरे रहे। ये पीबी दीक्षित कुछ टाइम के लिए एक्टिंग गवर्नर भी रहे थे, और जस्टिस विशंबर दयाल, ये विशंबर दयाल 1969 से लेकर के और 72 तक रहे। जस्टिस पी के तारे, ये आपके 1972 से लेकर के 75 तक रहे हैं। फिर जस्टिस शिव दयाल श्रीवास्तव, ये आपका 1975 से लेकर के 78 तक रहे हैं। फिर जस्टिस ए पी सेन, ये 1978 में रहे कुछ टाइम के लिए। जस्टिस जी पी सिंह, ये 1978 से लेकर के और आपके 84 तक रहे हैं। फिर आपका जस्टिस गोवर्धन लाल जमना लाल ओझा, ये 1984 से लेकर 85 तक। जस्टिस जे एस वर्मा, ये 1986 में रहे। जस्टिस नारायण दत्त ओझा, ये 1986 से लेकर के और आपके 1988 तक रहे हैं। फिर आपके जी जी सोहानी, ये आपके 88 से 89 तक रहे, और इसके बाद आपका जस्टिस सुशील कुमार झा, ये 89 से लेकर के और 93 तक रहे, और इसके बाद आपके उल्ला लक्ष्मी नारायण भट्ट, ये आपके 1993 से लेकर के 95 तक रहे, और उसके बाद ए के माथुर, ये 95 से लेकर के 99 तक रहे, और आपके जस्टिस भवानी सिंह, ये 2000 से लेकर के 2003 तक रहे, और उसके बाद जस्टिस कुमार राजा रत्नम, ये आपके 2003 से लेकर के 4 तक रहे। फिर आपके जस्टिस आर बी रविंद्रन, ये 2004 से लेकर 2005 तक रहे। फिर जस्टिस ए के पटनायक, ये 2005 से लेकर के 2009 तक रहे। फिर जस्टिस सैयद रफत आलम,
ये 2009 से लेकर के 11 तक रहे। फिर जस्टिस सुशील हरकोली, ये आपके 2011 से लेकर के 2012 तक रहे। उसके बाद आपके जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ये 2012 से लेकर के 2013 तक रहे। उसके बाद आपका अजय मानिक राव खांडेकर, ये 2013 से लेकर के 2016 तक रहे। और ये आपका जस्टिस ये हेमंत गुप्ता 2017 से लेकर के 18 तक रहे। और फिर जस्टिस संजय कुमार सेठ 2018 से 19 तक। और उसके बाद जस्टिस ए के मित्तल, ये 2019 से अभी तक हैं। ठीक है, चलिए अब ये मध्य प्रदेश में जो शासकीय कार्यालय हैं उनके नाम क्या हैं। जैसे आपका मिंटो हॉल है, ये मध्य प्रदेश का पुराना हुआ करता था, लेकिन अब आपका नया जो विधानसभा भवन बना हुआ है वो आपका इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भोपाल में है। ये राज्य का नया विधानसभा भवन है। ठीक है, इसके बाद आपका बल्लभ भवन, ये बल्लभ भवन भोपाल में आपके ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है, ये राज्य का सचिवालय है। और मध्य प्रदेश का जो संचनालय है, डायरेक्टरेट है, ये सेक्रेटरेट था आपका बल्लभ भवन, ये आपका संचनालय मतलब डायरेक्टरेट में दो बिल्डिंग है आमने सामने बनी हुई है, एक सतपुड़ा भवन है और एक आपका विंध्याचल भवन, ये दोनों ही भोपाल में बनी हुई। शक्ति भवन, ये जबलपुर में है आपका, राज्य विद्युत मंडल का यानी कि कार्यालय है ये। ऊर्जा भवन, ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का ये कार्यालय है। पर्यावास भवन, अरेरा कॉलोनी अरेरा हिल्स पर है ये भोपाल में, ये राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय है। अरेरा हिल्स भोपाल में ही आपका राज्य सूचना आयोग का कार्यालय भी। इसके बाद आपका निर्वाचन भवन, ये भी अरेरा हिल्स पर है, ये मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन भवन है। पुस्तक भवन, ये मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का बिल्डिंग है, और ये मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है उसको श्यामला हिल्स कहा जाता है। श्यामला हिल्स आपका मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। विंध्याचल भवन, ये मध्य प्रदेश का राज्य योजना आयोग का भवन है। राजभवन, ये मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल का निवास स्थान है उसको राजभवन कहा जाता है। मध्यांचल भवन, दिल्ली में जो बना हुआ है, मध्य प्रदेश का एमपी हाउस जो है, मध्य प्रदेश भवन, वो मध्यांचल भवन आपका दिल्ली में है। भोपाल में आपका नर्मदा घाटी विकास का जो बिल्डिंग है वो नर्मदा भवन के नाम से जानी जाती है। प्रशासनिक एकेडमी भोपाल में जो है, ये जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का आपका प्रदेश लेवल जितने हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको RCVP नरोना भवन कहा जाता है। और भोपाल में ही आपका भारत भवन है, ये कल्चरल एक्टिविटीज वाला भवन है। ये आपके जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी, ये आपके सागर में है, जहाँ मध्य प्रदेश के जो DSP पोस्ट के लिए सिलेक्ट होने वाले अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग इसी में होती है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर में होती है। और सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये आपका इंदौर में है, जहाँ पर आपके SAF के जो अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। और पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण आपका ट्रेनिंग इंदौर में है। पुलिस यातायात ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट में। चलिए अब मध्य प्रदेश में जो प्रमुख पहले नंबर पर लोग हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष, तो वो आपको मालूम है पंडित कुंचीलाल दुबे थे। लेकिन मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष आपका, ये पहले आपके विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। और पहले विधानसभा के विपक्ष के नेता, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपके विश्वनाथ तामस्कर।
विश्वनाथ तामस्कर, और पहले मुख्य सूचना आयुक्त आपका TN श्रीवास्तव, पहले मुख्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव, पहले मुख्य सचिव फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी HS कामत, कौन है HS कामत, पहले महिला मुख्य न्यायाधीश फर्स्ट यानी कि वुमेन चीफ जस्टिस सरोजनी सक्सेना, और फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी, पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच, और पहले महाधिवक्ता आपका, पहले एडवोकेट जनरल वो आपके एम धर्माधिकारी, और पहली महिला आदिवासी जो राज्यपाल उर्मिला सिंह, ये मध्य प्रदेश की थी लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं रही है ना, ध्यान रखें। हाँ, आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष फर्स्ट चेयरमैन ऑफ MP पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो आपके DV रेगे, कौन थे DV रेगे, और फर्स्ट पुलिस के आपके डायरेक्टर जनरल, उसमें डायरेक्टर जनरल का ही सबसे बड़ा पद होता था, DGP जो बोलते हैं, वो आपका BP दुबे फर्स्ट यानी कि पुलिस महानिदेशक BP दुबे, और ये जब आपका डायरेक्टर जनरल का पद नहीं होता था, उससे पहले MP में जो बड़ा पद होता था वो इंस्पेक्टर जनरल का पद होता था, पहले पुलिस महानिरीक्षक, तो वो आपके थे VG घाटे, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के पद पर VG घाटे थे, और मध्य प्रदेश के पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, मध्य प्रदेश पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके शीतला सहाय रहे, मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष शीतला सहाय, और पहले चुनाव आयुक्त MP के NV लोहानी रहे, और फर्स्ट मध्य प्रदेश की वुमेन IPS आपकी आशा गोपालन, इंडिया लेवल पर आपका किरण वेदी हैं, और MP लेवल पर पहले IPS आशा गोपालन, आपका फर्स्ट वुमेन IAS तो वो आपका निर्मला बुच, MP की पहली फर्स्ट वुमेन IAS, फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश विधानसभा में, आपकी विपक्ष की पहली महिला नेता तो वो आपकी जमुना देवी, ठीक है जमुना देवी। ये आपके इंस्टीट्यूट हैं जो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुए, जैसे आपका MPPSC मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, ये आपका 1 नवंबर 1956 को इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद है राज्य सतर्कता आयोग, ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद आपका स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन राज्य खनिज निगम, ये आपका 19 जनवरी 1962 को हुआ, उसके बाद है स्टेट प्लानिंग कमीशन राज्य योजना आयोग, ये आपका 24 अक्टूबर 1972 को इस्टेब्लिश हुआ, और आपका MP लोकायुक्त ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद राज्य ऊर्जा विकास निगम 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ, और लोक अदालत पहली ये आपकी 13 अप्रैल 1986 को लगी थी, और मध्य प्रदेश का जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है ये 1993 में 13 मार्च को स्थापित हुआ, और राज्य वित्त आयोग, ये आपका राज्य वित्त आयोग 1994 में स्थापित हुआ, और महिला आयोग, मध्य प्रदेश महिला आयोग, ये आपका भी आपका 1994 में स्थापित हुआ, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी लोगों के लिए आयोग 1985 में बना, और आपका राज्य अनुसूचित जाति आयोग
ये 1995 में बना, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ये आपका 19 जनवरी 1994 को बना, और आपका राज्य मानवाधिकार आयोग ये आपका 28 जनवरी 1994 को बना, और आपका ग्राम न्यायालय जिसको ये पहला जो स्थापित हुआ वो 26 जनवरी 2001 में हुआ, और आपका किसान आयोग मध्य प्रदेश का ये आपका 13 सितंबर 2006 को स्थापित हुआ। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपका ये मध्य प्रदेश में पूरा प्रशासनिक जो तंत्र था ये कंप्लीट है। अब आपके लगभग यानी कि इसका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। इसमें आज सुबह मैंने आपको पढ़ाया तो वह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और आपके मध्य प्रदेश के जो प्रमुख आयोग हैं वो कब स्थापित हुए, और मुख्यमंत्री, राज्यपाल आपके और विधानसभा अध्यक्ष, ये सारे मैंने आपको बहुत, और चीफ जस्टिस ये लिस्ट भी आपको डिटेल में बताई, तो इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने कहा था ना जो मैंने आज पढ़ाया उसी के बारे में। अभय सिंह ने पूछा है कि मध्य प्रदेश में फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल लगा था तब यानी कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो मैंने आपको बताया ना कि 3 बार यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा है। इसमें फर्स्ट टाइम जो लगा था 1977 में लगा था, उसमें आपके श्यामा चरण शुक्ल जी यानी कि आपके मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 2 बार जो लगा है वो आपके सुंदरलाल पटवा के समय लगा है जी। और आप क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, वो आपको जवाब देना है। आज ही जो मैंने पढ़ाए हैं उन क्वेश्चन आपको जो मैटर पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनके आपको आंसर देना है। बताइए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसके एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे लोग डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो कब गठित हुआ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, आपको ईयर बताना है। आंसर दें आप लोग जल्दी से। ये सौरव अंचल ने आपका 1956 आंसर दिया है, अनुरुद्ध शिकरवार ने 1956 दिया है, और प्रेरणा गुप्ता ने 1956 दिया है, प्रियंका ने भी आपका 56 दिया है, ये सृष्टि जाधव ने 1956 दिया है। ये काफ़ी सही आंसर आप लोगों ने दिया, वेरी गुड। अब मेरा आपका एक और क्वेश्चन है एमपीपीएससी से कि एमपीपीएससी के प्रथम आपके अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन एमपीपीएससी मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष। हाँ मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के पहले अध्यक्ष,
मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के पहले अध्यक्ष। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के पहले अध्यक्ष सौरभ अंचल जी ने रेगे आंसर दिया है। वैसे पूरा नाम लिखें तो ज़्यादा सही। वेरी गुड, प्रेरणा ने सही लिखा है। आपका डी भी रेगे, बिल्कुल ठीक है। ये आपके डी भी रेगे पहले थे। अब आप आंसर दीजिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष जल्दी से आंसर करें आप लोग। सबसे पहले अंजलि ने आंसर दिया है कुंजीलाल, और सागर मिश्रा जी ने कुंजीलाल दिया है, और सौरभ ने कुंजीलाल, सृष्टि यादव ने कुंजीलाल। वेरी सही आंसर दिया है। अब ये बताएं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, सॉरी उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष विधान उपाध्यक्ष बताइए। प्रियंका सिसोदिया ये पुराने का आंसर दे रहे हैं। हाँ, अनुरुद्ध शिकरवार ने आंसर दिया है विष्णु विनायक सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे। और आपका प्रियंका ने दिया है विष्णु विनायक सरवटे, और विरिशा ने विष्णु विनायक सरवटे, नहीं विष्णु तामस कर दिया। सृष्टि जादौन विष्णु विनायक सरवटे। वेरी गुड, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। विष्णु विनायक सरवटे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अब ये बताएं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के एडिशनल कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल कौन है? इसको मैंने कई बार रिपीट किया था उस समय में जब पढ़ा रहा था। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है इसको। जबकि मैं बार बार रिपीट किया था इसको उस समय।
प्रणव गुप्ता ने आंसर दिया है पुरेंद्र सिंह कौरव। सृष्टि जाधव ने भी पुरेंद्र सिंह दिया है। चलिए वेरी गुड, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। आप लोग ये पूरा रिवीजन कर लेना, उसके बाद अब आपका हम एक आध टेस्ट लेने वाले हैं, क्विज करवाने वाले हैं पूरे एमपी का। हो सकता है कि कल भी करवा सकते हैं और एक आध दिन बाद करवाएं, इसलिए आप लोग वो सब कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। अभी तक जितने भी हो चुके हैं सारे वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, और पीडीएफ फाइल भी आपको सेंड की गई है उनको भी आप देख लेना। अब आपका क्विज होगा एमपी का। ओके, थैंक यू क्लास।